सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि से सटी शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर रोक लगाने वाले अपने पिछले आदेश को नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार के पीठ ने मामले की सुनवाई स्थगित करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर बहस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस महीने की शुरुआत में हम इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा जारी संबंधित आदेश को भी ध्यान में रखना होगा। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने हाई कोर्ट में 1 अगस्त के आदेश का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद से संबंधित 18 मुकदमों में सुनवाई जारी रह सकती है। मस्जिद प्रबंध समिति की चुनौती को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने अब मुकदमे की सुनवाई शुरू करने के लिए 12 अगस्त की तारीख तय की है। हिंदू पक्ष के विष्णु शंकर जैन की पीठ से सर्वे पर रोक हटाने का अनुरोध करने वाली उनकी याचिका पर विचार करने की अपील की गई है। हाईकोर्ट के 1 अगस्त के आदेश का हवाला देते हुए विष्णु शंकर जैन ने जोर देकर कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सामने मुस्लिम पक्ष की याचिका निष्प्रभावी हो गई। हालांकि पीठ ने जवाब दिया कि मामले की सुनवाई नवंबर में ही होगी। सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के 26 मई के आदेश को चुनौती देने के मामले में उलझा हुआ है। मथुरा में कई सिविल न्यायालयों ने हिंदू पक्ष द्वारा मस्जिद की भूमि पर अधिकार का दावा करते हुए दायर किया कि लगभग 18 मुकदमों को उनसे अपने पास ट्रांसफर कर दिया है। ईदगाह समिति और यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लाया। सुप्रीम कोर्ट ने 16 जनवरी को मस्जिद सर्वेक्षण की निगरानी के लिए अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति में हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट का आदेश भगवान श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव देव खेटम मथुरा द्वारा नेक्स्ट फ्रेंड रंजना अग्निहोत्री और 7 अन्य के माध्यम से दायर याचिका पर आया था। नेक्स्ट फ्रेंड किसी ऐसे व्यक्ति का कानूनी प्रतिबंध होता है जो सीधे मुकदमा चलाने में असमर्थ हो। हिंदू याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया था कि मूल मुकदम उच्च न्यायालय द्वारा चलाए जाएं, क्योंकि मामला राष्ट्र महत्व का है। दूसरी और मस्जिद प्रतिबंध समिति ने लंबे समय के बाद मुकदमों की स्थिरता पर सवाल उठाया और आगे तर्क किया कि यह मुकदमा पूजा स्थल अधिनियम 1991 द्वारा वर्जित माना जाएगा। मस्जिद प्रतिबंध समिति ने मुकदमे की स्थिति पर सवाल उठाते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सामने एक अलग याचिका भी दायर की। हालांकि 1 अगस्त को एक आदेश के बाद उच्च न्यायालय ने माना कि मुकदमे स्थिरता योग्य के लिए मुद्दों को तय करने के लिए 12 अगस्त की तारीख तय की जाएगी। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद भूमि विवाद से संबंधित कई मुकदमे मथुरा की विभिन्न अदालतों में लंबित हैं। इनमें मस्जिद के 13.37 एकड़ भूमि को फिर वापस प्राप्त करने की मांग है। मस्जिद मंदिर से सटी हुई है और मुकदमों में मस्जिद समिति और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ के बीच 1968 में हुए समझौते को वापस लेने की मांग की गई। 14 दिसंबर 2023 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अधिवक्ता आयुक्त द्वारा सर्वेक्षण का आदेश दिया था। पिछले साल सितंबर में भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने ज्ञानवापी मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि स्थल पर धार्मिक चरित्र के भी साक्ष्य द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।